नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन टॉप 10 कंट्रीज के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट्स खरीदी है 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। इस बार का वर्ल्ड कप होगा कतार में एंड ऐसा पहली बार है जब कोई अरब का देश एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। फीफा ने जब टिकट की सेल शुरू की थी तो इनको 40 मिलियन एप्लीकेशंस मिली थी, मतलब 4 करोड़ एप्लीकेशंस आई थी फीफा के पास इन टिकट्स को खरीदने के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख टिकट्स ही सेल के लिए अवेलेबल थी। तो जानेंगे इस वीडियो में वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टिकट्स खरीदी हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी फुटबॉल की हिंदी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। नंबर 10 पर है जर्मनी। इन्होंने टोटल 38,117 टिकट खरीदी हैं और 4 टाइम के चैंपियंस को सपोर्ट करने के लिए टोटल 38,000 से भी ज़्यादा लोग कतार जाने वाले हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद है नंबर 9 पर ब्राज़ील। ब्राज़ील के लोगों ने टोटल 39,546 टिकट खरीदी हैं और ये हैं 9th प्लेस पर। 5 टाइम के चैंपियंस इस बार वन ऑफ द फेवरेट्स होंगे एंड इस बार इनको लगभग 40,000 लोग सपोर्ट करने वाले हैं। नंबर 8 पर हैं डिफेंडिंग चैंपियंस के सपोर्टर्स फ्रांस। इन्होंने टोटल 42,287 टिकट्स खरीदी हैं एंड इस बार फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है अपने टाइटल को डिफेंस करने के लिए। इसके बाद हैं अर्जेंटीना जो कि 7th प्लेस पर हैं और अर्जेंटीना के फैंस ने 61,083 टिकट्स खरीदी हैं। अर्जेंटीना को देखने के लिए स्पेशली लायनल मेसी के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने टिकट्स खरीदी हैं एंड अर्जेंटीना वन ऑफ द फेवरेट्स भी है इस कॉम्पिटिशन के। इसके बाद है नंबर 6 पर एक ऐसी कंट्री जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया लेकिन वो इस टॉप 10 की लिस्ट में है और वो है यूएई। इन्होंने टोटल 66,127 टिकट्स खरीदी हैं और टॉप 10 में 6 प्लेस पाए है सबसे ज़्यादा टिकट्स खरीदने में। नाउ यूएई की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ भी इनकी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों से भी ज़्यादा टिकट्स खरीदी हैं यूएई के लोगों ने। इसका ये रीज़न ये है कि ये यूएई कतर काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंट्री है एंड बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पर फुटबॉल का, खासकर इसीलिए इस लिस्ट में यूएई 6th प्लेस पर है। इसके बाद है 5th प्लेस पर मैक्सिको, जिन्होंने टोटल 91,173 टिकट्स खरीदी हैं और मैक्सिको अर्जेंटीना के ही ग्रुप में है और ऐसा माना जा रहा है कि अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको के मैच के लिए सबसे ज़्यादा टिकट सबसे पहले बिक चुकी थी, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कि मैक्सिको के फैंस ने इतनी ज़्यादा टिकट्स क्यों खरीदी हैं। नाउ 5th प्लेस पर है यूके। अब देखिए यूके, हालांकि यूके में काफ़ी सारी कंट्रीज आती है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, तो यूके में अगर पूरा काउंट कर लिया जाए तो इन्होंने टोटल 91,632 टिकट्स खरीदी हैं और इस यूके में आते हैं इंग्लैंड और वेल्स जिन्होंने दोनों ने ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया और दोनों के दोनों एक ही ग्रुप में हैं, तो इसलिए यूके आता है 4th प्लेस पर 91,632 टिकट्स के साथ। नाउ 3rd प्लेस पर है सऊदी अरेबिया, अगेन एक और अरब कंट्री है एंड 3rd प्लेस पर है सबसे ज़्यादा टिकट्स खरीदने में, 1,23,228 टिकट्स खरीदी हैं इन्होंने। और क्योंकि सऊदी अरेबिया भी काफ़ी नज़दीक है कतर से, इसलिए यहाँ के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में टिकट्स खरीदी हैं। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि सऊदी अरेबिया अर्जेंटीना के ही ग्रुप में है एंड अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, खासकर सऊदी अरेबिया के फैंस के लिए, तो वो इतना अच्छा मौका खासकर वर्ल्ड कप का मैच क्यों गंवाएंगे जब एक इतनी बड़ी टीम सऊदी अरेबिया के खिलाफ खेलेगी इस वर्ल्ड कप में। और दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने टोटल 1,46,616 टिकट्स खरीदी हैं। क्योंकि ये इनका कैमबैक है 2014 के बाद, 2018 में वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लेकिन इस बार उन्होंने बड़े ही आराम से क्वालिफाई किया एंड फैंस अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं 8 साल बाद अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखने के लिए, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स 2nd प्लेस पर हैं इस लिस्ट में। नाउ 1st प्लेस पर आपने गेस कर ही लिया होगा, 1st प्लेस पर हैं कतार, क्योंकि यहाँ पर ही वर्ल्ड कप होगा एंड नेचुरली यहाँ के होम फैंस चाहेंगे अपने टीम को वर्ल्ड कप में पहली बार खेलता हुआ देखने के लिए। एज अ होस्ट नेशन कतार ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया और ये इनका पहला वर्ल्ड कप है, इसीलिए कतार के लोगों ने सबसे ज़्यादा टिकट्स खरीदी हैं और टोटल इन्होंने खरीदी हैं 9,47,846 टिकट्स, यानी कि लगभग 1 मिलियन टिकट्स तो अकेले कतार ने ही खरीदी हैं। तो ये थे वो टॉप 10 कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा टिकट्स खरीदी हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। आई होप ये लिस्ट आपको पसंद आई। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।